हाय फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो की मदद से आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कैसे नीडेड रीजन खुद से बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को रबर का ये टुकड़ा चाहिए, कोई भी एक रबर का टुकड़ा, उसको गुड़ा करके ऐसा करना है सबसे पहले। उसके बाद इसको कोई भी एक स्मूथ सरफेस में ऐसा रखने के बाद उसको ऐसा घिसना है, ऐसा करके जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं ना वैसे टाइप से। कंटिन्यूसली ऐसा करते रहना है तब तक ये एक साथ ज्वाइंट नहीं हो जाता। बहुत जोर लगा, थोड़ा बहुत जोर लगा कि करना है, उतना भी नहीं, मीडियम। दोनों का हाथ ऐसा यूज कर सकते हैं, स्क्वीज कर करके। वाटर ये एक सैंड का बोतल है, मैंने ये 1 इंची का वाला पार्ट यूज़ किया है। ये हार्ड है ना, तो इससे करने में इजी होता है ऐसा करने में। मैदा का या फिर आटा का जैसे डो बनाते हैं हम लोग, उसे टाइप से ऐसा करना है जब तक ऐसा टाइप का नहीं बन जाता। तो समय के साथ अभी हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं, अगर इतना बन जाता है तो इसका साथ शेप दे सकते हैं इसको अपना हाथों से। ओके, लेट्स ट्राई, ये काम करता है कि नहीं, चलो देखते हैं। ये और भी बेटर बनेगा अगर इतना स्क्वीज करते बैठेंगे कंटिन्यूसली और इसके ऊपर वर्क करेंगे तो शायद और बेटर बने। मैंने पहली बार बनाया, इससे पहले भी मैंने बनाया था लेकिन ऐसा टाइप से नहीं बना, वो थोड़ा फेलियर था। ये थोड़ा सा अप्रॉक्स आई थिंक वर्क करेगा, चलो देखते हैं। ये मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ।
आर्ट लाइन का। इट वर्क्स मे बी, इसको पतला कर देते हैं, देखते हैं पतला स्ट्रोक्स निकल सकते हैं इससे। इट वर्क्स। ओके, लेट मी सी सम अदर वे। शायद ग्लू से, वाटर टाइप का जो ग्लू होता है ना, उस टाइप वो ग्लू से भी अगर करे बिना पानी के यूज करके, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा यूज किया था इसको डो बनाने के लिए, ये रबर का डो नीरे डीरे से बनने के लिए, शायद वाटर ग्लू से भी कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो, क्योंकि जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना समझ में आएगा कि वैसा शायद हो या फिर ना हो। मैंने ट्राई नहीं किया अभी, और अब ट्राई करते हो तो फिर पता लग जाएगा आपको कि कितना बेटर हो सकता है अगर ग्लू यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर इज गुड आइडिया आई थिंक। काम कर रहे, मेरे पास नीडेड इरेजर नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता इसका डिफरेंस बिटवीन नीडेड इरेजर का वर्क और इसका वर्क। कैमरा में आई थिंक नज़र आ रहा है, समझ आई थिंक आ रहा है ना, वो एक काम कर रहे हैं ऐसे स्ट्रोक्स दे सकते हैं इससे। अभी बहुत ही छोटा करके देखते हैं, बहुत छोटा, सीट बॉक्स होममेड इरेजर, नीडेड इरेजर। थैंक यू वेरी मच।